वे, तुझे काम करने की तमीज नहीं है जी? क्या हो गया उस्ताद जी, थोड़ी सी गलती हुई है, बस नीचे गिर गया उस्ताद जी। बहुत हो गया तेरा रोज का ड्रामा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुझे, अब तू निकल यहाँ से। बर्दाश्त हो गया, तूने काफी नुकसान कर दिया मेरा। ऐसे तो ना करें उस्ताद जी, माफी मांगता हूँ, मना कर दिया। नहीं अब तू जा, तू डेली नुकसान करता यार यहाँ पे, कोई ना कोई चीज। चल निकल जाए यहाँ से, चल। उस्ताद जी काम से निकालना तो निकाल दो, धक्के तो ना दो उस्ताद जी, बस निकल जा तू यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है मुझे अब। चलो यार इससे तो जान छुटी, कारोबार था नहीं, इसने डेली तंग किया हुआ था, कोई ना कोई नुकसान कर रहा था ये। चलो यार शकूर भाई से पता करता हूँ, क्या पता इधर लोडिंग हो तो रही है, कोई काम न पर मिल जाए यार। शकूर भाई से पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम यार, कोई काम वगैरह मिल जाएगा? यार अभी तो फिलहाल कोई काम भी नहीं है यार, कोई भी हो किसी किस्म का भी हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। यार काम अभी है नहीं, थे बंदे दुरुस्त हैं, कोई आए नहीं, आपको काम आमों के मौसम का कोई भी मेहरबानी नहीं हो सकती अभी फिलहाल, कोई भी काम नहीं है, माजरत हो तो आपको देते काम। चले ठीक है भाई। यार काम तो छूट गया, चलो गुजारा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों, बाबा आ गए। कैसे हो मेरे बच्चा, कैसे हो? बाबा खाना लिया? हाँ बेटा मेरे जान में ले आया, सो मतलब कुछ नहीं खाया। चलो आ जाओ अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं। ये ले लो मेरे बच्चा, रोटी आज तुम्हारे लिए ले आए, यार आज तो खाना ले आए इनका बच्चों का, अब कल कैसे पूरा करूँगा? चलो खैर अल्लाह रिस्क देगा यार, कल पूरा कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा बच्चों के लिए। ये लो मेरा बच्चा पानी पी। लामिया को काम मिल गया, उस भाई से पता कर। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। यार कोई काम वगैरह मिल जाएगा? भाई जान काम के हालात है ना, कहना यार कोई भी किसी किस्म का भी भाई जान, अल्लाह साहब खुद रोने बैठे हैं, काम कोई का नहीं, कोई भी मेहरबानी नहीं हो सकती यार। भाई जान क्या नहीं काम के हालात, असि खुद ही रोने बैठे हैं, कारोबार है ना, कहना कारोबार होते तो फिर वो खराब है। शुक्रिया सब करो, अगर सारे को काम दे के हालात है ना, ऐसे नहीं अगर ऐसा रोने बैठे हैं तो आप की दुख रहा हूं। अहसन भाई खैर है, आप परेशान बैठे हैं? यार शिरोज भाई बस क्या बताऊँ आपको, दो दिन से मेरे बच्चों ने सूखी रोटी के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, पानी लगा लगा के रोटी खा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, खुदकुशी के अलावा मुझे कुछ और समझ आ रही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ मेरे बच्चे। बस बस आप खुद खुशी ना करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देगा, कोशिश करें। डेली जाता हूँ कोई झाड़ी भी नहीं मिलती मुझे, मैं क्या करूँ? बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह खैर की दुआ करें, अल्लाह ताला से आप इंशाल्लाह ताला आपको रोजी मिलेगी। चलो बच्चे सो रहे हैं। अबे आप आ गए हो? हाँ मैं जान में आ गया, भूख लगी रोटी लिया? भूख लगी है, चलो मैं करता हूँ, आप सो मैं आ रहा हूँ, अब भी रोटी लेके आता हूँ। अरे तो खाने के लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ, मैं निकाल दूँ। अल्लाह मुझे माफ कर दी मेरे अल्लाह। ओए हसन, ओए क्या कर रहा तू ये यार, किसको मुझे पीने दे, पागल हो गया मैं, किसको क्या कर रहा तू ये यार, मुझे पीने दे यार, मेरे पास कुछ नहीं रह गया, मैं अब अल्लाह का बंदा क्या हो गया? कोई बात नहीं, अल्लाह वो गफूर रहीम, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, अल्लाह देगा यार, मैं क्या करूंगा बच्चों को यार। यार कोई मसला नहीं है यार, मेरे बच्चे कल के भूखे हैं यार। यार अल्लाह अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह देगा यार, ये खुदकुशी तो हमारे इस्लाम में हराम है। मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है यार। अल्लाह पे भरोसा रख, इंशाल्लाह अल्लाह कल इंशाल्लाह देगा, अल्लाह कोई मसला नहीं, आज तेरा काम लगा कल लग जाएगा।
जी तो जैसे कि आपने देखा कि गरीब की जिंदगी कैसे अजाब के अंदर है, सके तो अपने हमसायों का लाजमी ख्याल रखें, गरीब गुरबा की मदद करते रहें। इस वीडियो का हमारा मकसद ही मेन यही था कि गरीब की जिंदगी आज के दौर में वो भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कैसे अजीब हो चुकी है। अगर आप लोग किसी की मदद करने की हैसियत नहीं रखते तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं लाजमी शेयर करें सबके जारिया समझ कर, ताकि आगे आप शेयर की वजह से जो लोग देखें वो आगे से आगे लोगों तक मदद पहुंचाते रहें। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गरीबों की मदद करते रहिएगा।